नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा सीरियस मुद्दे पर होने वाला है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइबर अपराध को लेकर के, साइबर अटैक को लेकर के। आप लोग साइबर अटैक के बारे में जानते होइएगा, यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो के आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन आगे बढ़ूं फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रहार, उसने रिपोर्ट जारी किया है साइबर अटैक को लेकर के। उसके बारे में जब आप लोग जानिएगा तब पैरों तले जमीन खींच सकने वाला है। मैं उस रिपोर्ट को लेकर आया हूं फ्रेंड्स, एक-एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से 2033 तक कितना साइबर अटैक होगा, आजादी का 100वां सालगिरह मनाया जाएगा 2047 में, उस समय तक कितना साइबर अटैक भारत में होगा, उसके बारे में भी आंकड़ा बताया गया है। तो चलिए बिना विलंब किए एक एक चीजों को शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। साइबर अटैक को सबसे पहले जान लीजिए फ्रेंड्स। साइबर अटैक एक प्रकार का अपराध है, यह कंप्यूटरों द्वारा किया जाता है। सिस्टम को ब्लॉक करके, उसको कमजोर करके, मतलब सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठा करके डाटा को चुराया जाता है, दूसरे के डाटा को या निजी जानकारी को चुरा करके उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, पैसे के लिए किया जाता है, कमाई के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह इलीगल एक्टिविटी है, यह अपराध की श्रेणी में आता है। आइए बात करते हैं साइबर हमले की तरफ से जो किस तरीके से भारत बढ़ रहा है उसमें हम बात करते हैं। एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रहार, वो रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट का नाम रखा है फ्रेंड्स, द इनविजिबल हैंड रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, यह पूछा जा सकता है द इनविजिबल हैंड रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें कही गई है आप लोग जान लीजिए। उसने में बताया गया है कि 2033 तक काफी खतरनाक हो सकता है साइबर अटैक, और साथ ही साथ उसने बताया गया है कि अभी सालाना 1,00,000 करोड़ तक हो सकता है साइबर अटैक। भारत सरकार नाकाम हो रही है फ्रेंड, सरकारें तो कोशिश कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर भी हो रही है, लाचार विवश मालूम पड़ रही है साइबर अटैक को रोकने में। आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि 2047 तक देश की आजादी के 100 साल पूरा होने तक हर साल 17,00,000 करोड़ तक साइबर हमला हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये डाटा, आप लोग भूलिएगा नहीं। हैकर दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जान लीजिए, जो साइबर अटैक करते हैं सिस्टम पर, कंप्यूटर पर या बैंकिंग सिस्टम पर, इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। एक तो होते हैं पारंपरिक हैकर और दूसरे होता है नए हैकर, जो आपको बिल्कुल वो कमांड होता है हर चीज पर, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको जानकारी या तो लीकेज उकेज देखेंगे वहां पर आपको अटैक कर देंगे। जो पारंपरिक हैकर होते हैं वो सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठा करके काम करते हैं और पैसे के लिए वो करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो नए हैकर होते हैं, जो जटिल हैकर होते हैं, वह वायरस द्वारा अटैक किया करते हैं, सिस्टम को कमजोर कर देते हैं और उसके बाद डाटा को चोरी किया करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि 8 करोड़ तक 2023 में रिपोर्ट जारी किया गया है, 2023 में 8 करोड़ तक साइबर अटैक हुआ है। सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठाए अगर इस बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।